बिलासपुर से कर लेते बड़ी खबर। मध्य प्रदेश को जाके 2500 औरत के खिलाफ लघु याचिका पर बहस के बाद सुरक्षित रख लिया गया है। अक्षर के खिलाफ आदित्य तिवारी सहित अन्य ने याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। जाके 2500 आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। बहस के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने सुनवाई यहाँ पे पूरी हुई है। आदित्य तिवारी सहित अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी। तो चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। शैलेंद्र पाठक ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, कितने देर तक ये पूरी अगर बात की जाए कोर्ट की कार्यवाही चली है और अभियोजन पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया? जो बहस जो है सुनवाई जस्टिस की रीजन में हो रही है और पूरे मामले में जिस तरीके से तीन याचिका लगी थी आदित्य तिवारी सहित अन्य दो और लोगों ने याचिका लगाई थी, सारी याचिकाओं के साथ सुनवाई थी। जो प्रदेश सरकार ने आरक्षण किया है जिसको 28% ओबीसी को दे दिया है, 32% एसटी को दे दिया है और 13% एससी को दे दिया है कि सब मिलाकर के जो याचिका है वो 80% हो गई और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बातों को लेकर के एक पिटिशन दायर की गई थी कि राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी कि ये जो जो आरक्षण सरकार ने लागू किया है वो नियम विरुद्ध है और ऐसे में जो जो सामान्य वर्ग है उनको उनको परेशानी होगी, उनके जो युवा वर्ग है उनको परेशानी होगी, उनको तमाम जो दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी आरक्षण को उन्होंने चुनौती दी थी। पूरे मामले में आज दिन भर की स्थिति लगभग पूरा सुनवाई उसमें चला यह है मामला सुना गया और बहस के बाद जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है दोनों पक्षों के बाद में। अब कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कब आएगा फैसला कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरे मामले में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के जो तीन याचिकाएं लगी थी और एक साथ सुनवाई नहीं होगी दिन भर चली है सुनवाई, वो एक अहम इश्यू है। इसमें जो फैसला आना है वो उस पर भी सबकी नजर रहेगी क्योंकि बहुत अहम फैसला है। जो आरक्षण का मामला है प्रदेश में पहली बार ये सरकार आने के बाद ये लागू हुआ है जिसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको लोग में सरकार के फैसले पर चुनौती दी है। तो इसमें फैसला आना बाकी है अभी और जो डिविजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। झाबुआ में नेता प्रतिपक्ष